गाइस मेरा नाम विभू और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे स्कोडा कुशाक स्टाइल 1.5 ऑटोमेटिक वेरिएंट के बारे में। ये इस गाड़ी का टॉप वेरिएंट है 1.5 इंजन के साथ और इसके अंदर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है DSG। तो आज की इस वीडियो में फुल डिटेल में बात करेंगे इस कार के बारे में और सभी बात करेंगे इस गाड़ी के फीचर्स के बारे में। तो फ्रंट से बात करते हैं इस गाड़ी के एक्सटीरियर की। तो फ्रंट लुक यहाँ पर गाड़ी की देख सकते हैं कुछ इस तरीके की। यहाँ पर स्कोडा का लोगो मिल जाएगा, फ्रंट में आपको सिग्नेचर ग्रिल देखने के लिए मिल जाती है और जिस गाड़ी की हेडलाइट्स है वो आपको कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर इंडिकेटर मिल जाएगा, एल शेप में DRL मिल जाएगी, प्रोजेक्टर हेडलाइट मिल जाएगी, यहाँ पर LED, नीचे की तरफ फॉग लैंप्स यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। तो कुछ ओवरऑल लुक कुछ इस तरीके की गाड़ी की देखने के लिए मिलती है। आप बात कर लेते हैं साइड प्रोफाइल की। साइड प्रोफाइल से गाड़ी की यहाँ पर लुक्स देख सकते हैं। 2651 mm का इस गाड़ी का व्हील बेस है और कॉम्पैक्ट SUV के अंदर गाड़ी यहाँ पर आती है। ग्लोबल NCAP के अंदर गाड़ी ने 5-स्टार सेफ्टी अचीविंग करी हुई है ऑलरेडी, चाइल्ड के अंदर भी और एडल्ट के अंदर भी। अब बात कर लेते हैं साइड प्रोफाइल के फीचर्स की। तो यहाँ पर साइड में देख सकते हैं गाड़ी के अंदर कुछ इस तरीके के 17 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स देखने के लिए मिल जाते हैं। टायर प्रोफाइल है 205/55R17 की और अलॉय की लुक्स यहाँ पर देख सकते हैं। फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स यहाँ पर मिल जाते हैं इस वाले लोड के अंदर MRF के टायर से कुछ इस तरीके के। अब साइड में यहाँ पर फेंडर पर स्कोडा की बैजिंग देखने के लिए मिल जाती है और ये कुछ इस तरीके की ब्लैक कलर की ग्लाइडिंग दी गई है जिससे आपकी गाड़ी स्क्रैचेस से काफ़ी ज़्यादा सेफ यहाँ पर हो जाती है। और टॉप वेरिएंट के अंदर यहाँ पर आपको ऑटो वाइपर्स देखने के लिए मिलती है, ऑटो हेडलाइट्स यहाँ पर देखने के लिए मिलती है और साइड में आपके कुछ इस तरीके के ओवारियम हैं जो कि आपके लॉक अनलॉक पे आपके अनफोल्ड फोल्ड हो जाते हैं। डोर सराउंडिंग के नीचे आपको क्रोम ट्रीटमेंट मिल जाएगा, कीलेस एंट्री मिलेगी और डोर हैंडल के ऊपर भी यहाँ पर आपको क्रोम ट्रीटमेंट देखने के लिए मिल जाता है। ऊपर की तरफ आपको यहाँ पर सनरूफ देखने के लिए मिल जाता है गाड़ी के अंदर और यहाँ पर सिल्वर कलर की रूफ रेल, शार्क फिन एंटीना, तो कुछ इस तरीके की ओवरलुक गाड़ी की यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। रियर के अंदर यहाँ पर ड्रम ब्रेक्स देखने के लिए मिलते हैं कार के अंदर और यह इस गाड़ी का 50 लीटर का पेट्रोल टैंक कुछ इस साइड में आपको पेट्रोल टैंक गाड़ी का देखने के लिए मिलता है। पहले ही के अंदर सभी वेरिएंट्स दिखाए हुए हैं ऑलरेडी पर ये 1.5 है। इसका पता आपको कुछ इस तरीके से लगेगा कि यहाँ पर TSI जो लिखा हुआ आपको देखने को मिलता है ये सिर्फ आपको 1.5 के अंदर मिलता है और इसके अंदर जो है ना आपकी गाड़ी के अंदर जो एग्जॉस्ट है वो भी आपको डुअल टिप देखने के लिए मिलती है। 188 mm का ग्राउंड क्लियरेंस गाड़ी के अंदर मिल जाता है। रियर में आपको यहाँ पर डिफोगर, वाइपर, हाई स्टॉप माउंट लाइट, शार्क फिन एंटीना, यहाँ पर स्कोडा की फुल यहाँ पर बैजिंग देखने के लिए मिल जाती है। नीचे की तरफ कुशाक की बैजिंग मिल जाएगी और यहाँ पर भी आपको बूट के ऊपर क्रोम ट्रीटमेंट मिलता है। रिवर्स यहाँ पर 3 सेंसर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। रिवर्स कैमरा यहाँ पर गाड़ी के अंदर मिलता है और ये इस गाड़ी की कुछ इस तरीके की लॉक अनलॉक और बूट ओपन करने का ऑप्शन यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। ये इस गाड़ी का रिवर्स कैमरा काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ आता है और ये इस गाड़ी का बूट स्पेस यहाँ पर आपको साथ में आपकी गाड़ी के यहाँ पर आपको पार्सल ट्रे भी मिल जाती है और ये इस गाड़ी का 385 लीटर का बोर्ड स्पेस। नीचे की तरफ स्पेयर व्हील मिल जाता है जो कि आपका 16 इंच का स्टील रिम है। ये इस गाड़ी की बूट लैंप, एक ही तरफ आपको यहाँ पर बूट लैंप मिलता है और यहाँ पर कुछ इस तरीके के 5 kg के हुक्स मिलते हैं जिस पर आप काफ़ी सारा अपना सामान रख सकते हैं। सीटें जो आपकी 60-40 स्प्लिट हो जाती है तो उससे आप अपनी गाड़ी का बूट स्पेस और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। अब चलते हैं इंटीरियर की तरफ और गाड़ी को करते हैं अनलॉक। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से गाड़ी को अनलॉक आप कर सकते हैं। ये इस गाड़ी का फ्रंट डोर, फ्रंट डोर के अंदर आपको चारों पावर विंडो, ओवारियम, ऑटो एडजस्ट, ऑटो फोल्डेबल मिलते हैं। क्रोम ट्रीटमेंट के साथ डोर ओपनर देखने के मिल जाता है। नीचे की तरफ बोटो होल्डर का स्पेस, स्पीकर और कुछ इस तरीके का ये है इस गाड़ी का इंटीरियर। टॉप वेरिएंट है तो इसमें आपको लेदर वेंटिलेटेड सीट्स देखने के मिलती है फ्रंट में और मैनुअली इसकी आप हाइट भी एडजस्ट यहाँ पर कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। ये इस गाड़ी का डैशबोर्ड कुछ इस तरीके का और डैशबोर्ड के अंदर यहाँ पर आपको हेडलाइट के कंट्रोल्स देखने के लिए मिल जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ऑटो हेडलाइट और यहाँ पर आपके कुछ इस तरीके से आपके फॉग लैंप्स ऑन हो जाते हैं गाड़ी के अंदर। ये इस गाड़ी के AC वेंट्स जो कि आपको पियानो ब्लैक फिनिशिंग में मिलते हैं। यहाँ पर आपको ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर्स का फीचर मिल जाता है। अब बैठते गाड़ी के अंदर और यहाँ पर इस गाड़ी का है पुश स्टार्ट बटन। ये इस गाड़ी का स्टेयरिंग व्हील, लेदर कवर के साथ स्टेयरिंग व्हील आता है और इसके अंदर आपको टिल्ट टेलीस्कोपिक वाला भी फंक्शन यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। और यह इस गाड़ी की MID कुछ इस तरीके की फुली डिजिटल यहाँ पर MID देखने के मिलती है जिसके अंदर काफ़ी सारे फीचर है कुछ इस तरीके से। इसके आप मोड्स भी चेंज यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अंदर आपको टोटल 3 मोड्स देखने के लिए मिलते हैं जिससे आप अपनी गाड़ी की MID भी चेंज यहाँ पर कर सकते हैं। और ये है इसके MID के कंट्रोल्स यहाँ पर दिए हुए हैं। यहाँ पर आपको स्कोडा का लोगो मिल जाएगा स्टीयरिंग व्हील के अंदर जो कि क्रोम और आपका पियानो ब्लैक फिनिशिंग के साथ आता है। ये है इस गाड़ी के म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल, यहाँ पर आपको पैडल शिफ्टर देखने के लिए मिल जाता है। और ये है इस गाड़ी का क्रूज कंट्रोल कुछ इस तरीके से, यहाँ पर ऑफ है फिर यहाँ पर ऑन हो जाता है और यहाँ से आप स्पीड भी सेट कर सकते हैं। ये इस गाड़ी का म्यूजिक सिस्टम कुछ इस तरीके का 8 इंच की टच स्क्रीन आती है जिसके अंदर एंड्रॉइड एप्पल कारप्ले आपका वायर्ड के साथ आता है और इसमें आपको सारी गाड़ी के फीचर्स दिखाता है जैसे ESC वगैरह, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग, लाइट, आपके मिरर,
एंड वाइपर्स, ओपनिंग एंड क्लोज डोर, सारे मतलब काफ़ी सारे इसके अंदर फीचर दिए हुए हैं, और रेडियो, टेलीफोनिक, साउंड सेटिंग, काफ़ी सारे इसमें सेटिंग्स दी गई है। तो म्यूजिक सिस्टम की क्वालिटी भी इसकी काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है, कहीं से भी कर दे तो स्पीकर कभी भी फटेगा नहीं इस गाड़ी का। फ्रंट की वेंटिलेटेड सीट का फीचर आपको यहाँ पर मिलता है दोनों का। ये इस गाड़ी की हेजार्ड लाइट का बटन है, यहाँ से गाड़ी लॉक अनलॉक कर सकते हैं। ये इसका इंजन स्टार्ट स्टॉप फीचर डीएक्टिवेट, ये कुछ इस तरीके का फीचर है यहाँ पर। नीचे की तरफ वायरलेस चार्जिंग, टाइप सी पोर्ट्स। ये इस गाड़ी का डीएसजी गियरबॉक्स जो कि 7 स्पीड के साथ आता है। यहाँ पर भी आपको पियानो ब्लैक फिनिशिंग मिलती है, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट। ये है इस गाड़ी का आर्मरेस्ट जो कि एडजस्टेबल है, बीच में इसमें स्पेस यहाँ पर मिल जाता है, वाटर होल्डर का स्पेस यहाँ पर मिल जाएगा। ये इस गाड़ी का हैंड ब्रेक, और यहाँ पर इस गाड़ी का डैशबोर्ड आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर आपको एम्बिएंट लाइट गाड़ी के अंदर देखने के लिए मिल जाती है। यह इस गाड़ी का कूल्ड ग्लव बॉक्स, और इसके अंदर आईआरवीएम जो है वो आपका ऑटो आईआरवीएम देखने के लिए मिलता है। और रूफ में यहाँ पर आपको रीडिंग लाइट देखने के लिए मिल जाता है इस गाड़ी के, तो कुछ इस तरीके से ऑन ऑफ हो जाती है, और ये भी आपको एलईडी मिलती है। यहाँ से इस गाड़ी का आप सनरूफ भी ओपन कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से आपकी गाड़ी का सनरूफ ओपन यहाँ पर हो जाता है। तो गाड़ी के जो इंटीरियर की क्वालिटी है वो वाकई में काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है, बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम आपको इस गाड़ी का इंटीरियर फील होगा, क्योंकि स्कोडा की जितनी भी गाड़ी है वो सभी जर्मन कार्स है। और इसके अंदर एक और चीज़ होती है कि स्कोडा की गाड़ियों के अंदर आपको लेज़र वेल्डिंग देखने के लिए मिलती है, तो यहाँ पर आपको कोई भी रबड़ वगैरह देखने के लिए नहीं मिलती। आप चलते रियर सीट की तरफ, और रियर सीट में यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके की रियर सीट मिलती है। रियर डोर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पावर विंडो का स्विच मिल जाएगा, डोर ओपनर मिल जाएगा, नीचे वाटर होल्डर का स्पेस, स्पीकर मिल जाता है यहाँ पर। और ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके का रियर में यहाँ पर कुछ लुक्स आती है। 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट यहाँ पर मिल जाएगी आपको, आर्मरेस्ट यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है 2 कप होल्डर्स के साथ, और ये सीटें भी आपकी लेदर देखने के लिए मिलती है। और मैंने सीट बिल्कुल पीछे करी हुई है, तब भी यहाँ पर मेरा लेग रूम आप देख सकते हैं कितना अच्छा लेग रूम यहाँ पर मुझे देखने के लिए मिल रहा है, और थाई सपोर्ट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और नीचे की तरफ जो हम्प होता है वो भी बिल्कुल भी नहीं है, 3 बंदे यहाँ पर काफ़ी कंफर्टेबली होकर बैठ सकते हैं। रियर एसी वेंट यहाँ पर मिल जाते हैं, टाइप सी पोर्ट यहाँ पर मिल जाता है, और ये इस गाड़ी का रियर से कुछ इंटीरियर कुछ इस तरीके का लगता है, और काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम इस गाड़ी का इंटीरियर है। तो यही सभी फीचर्स थे यहाँ पर। रूफ में यहाँ पर भी आपको रीडिंग लाइट मिल जाती है। तो अभी तक तो बात करी हमने इस गाड़ी के फीचर्स और एक्सटीरियर इंटीरियर्स के बारे में, अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी के प्राइसिंग के बारे में। प्राइसिंग की बात कर लेते हैं, इस गाड़ी का 1.5 ऑटोमेटिक का जो प्राइस है वो 1899 एक्स शोरूम है, और ऑन रोड कॉस्ट करती है 2175 की। बाकी अभी जो मार्च आपकी क्लोजिंग टाइम है, अप्रैल से गाड़ी का वैसे भी ऑलरेडी प्राइस बढ़ने वाला है 30 से 40 हज़ार रुपये। तो अगर आपको अभी गाड़ी परचेज़ करनी है तो दिए हुए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको बेस्ट से बेस्ट डील मिलेगी, और साथ ही में आपको काफ़ी अच्छा डिस्काउंट भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, वीडियो को लाइक एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।